Veni, vidi, vici. कृष्णा, आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स, यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है जिसके लिए सन दो में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉ एक्सलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया गीता के संदेश और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं प्रभु जी टी टी एल परसिस्टेंट एसेंचर स्टर्लिंग हेल्थ केयर ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व बॉयसेस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता महाभारत रामायण और श्रीमद्भागवतम भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण आप सभी का इस भगवद गीता स्वागत है और आज हम भगवदगीता के आठवें अध्याय जिसका शिष्य भगवत प्राप्ति उसके ऊपर चर्चा या वर्णन करेंगे इस अध्याय में भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं उस विषय पर चर्चा करने से पहले एक प्रश्न हर व्यक्ति यहाँ तक कि हर व्यक्ति नहीं हर जीव के जीवन में एक ऐसी परीक्षा है जो उसको लेनी ही पड़ती है वो कितना ही उसको टालना चाहे चाहे कितना ही उसका प्रयत्न करे कि उस परीक्षा में वो ना आए एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हर जीव को भाग लेना पड़ता है वो क्या है उस परीक्षा का नाम उस परीक्षा या उस एग्जाम का नाम है मृत्यु इस आठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विस्तार से मृत्यु और मृत्यु के समय पे भगवान की प्राप्ति कैसे करी जा सकती है उसका उल्लेख करेंगे अलग अलग धर्म अगर आप देखें तो इस विषय के ऊपर अलग अलग तरीके से चर्चा करते हैं एक सामान्य व्यक्ति मृत्यु के बारे में सुनते घबरा जाता है उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता पर जो स्पिरिचुअलिस्ट या जो अध्यात्म जीवन का पालन करते हैं उनके लिए मृत्यु का सब्जेक्ट कोई चिंता का नहीं बल बल्क, बल्कि भविष्य में एक नई आशा की उम्मीद पैदा करता है क्योंकि जो अध्यात्म जीवन का पालन करते हैं उनका जो दृष्टिकोण होता है वो केवल भौतिक दृष्टिकोण होने के कारण सीमित नहीं होता बल्कि उनका अध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है न जायते भूत्वा भवित्वा न ने भगवदगीता के दूसरे अध्याय का बीसवा श्लोक है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं अर्जुन वो जीव अमर है तो मरता और जन्म कौन लेता है वो है शरीर तो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो हमें सिखाता है मृत्यु तो एक टेम्प्ररी हॉल्ट है जहाँ पे व्यक्ति अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर अपनाता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो ये समझाता है जो अध्यात्म जीवन का पालन करता है उसको दोबारा एक भौतिक शरीर को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं इस प्रकार वो अध्यात्म जीवन जी सकता है या भगवान के धाम वापस पहुंच सकता है इसलिए भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में भी उसका उल्लेख आएगा भगवदगीता ही है जहाँ पे इन चार परेशानियों को वर्णन किया गया है पहली जन्म दूसरा जरा तीसरा व्याधि और चौथा मृत्यु भगवान बताते हैं इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे जो व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसको इस चार प्रकार के कलेशों का सामना करना ही पड़ता है तो इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है कि व्यक्ति इन चारों कलेशों से कैसे बच सकता है इन अदर वर्ड्स हाउ टू विन ओवर डेथ मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करनी है वही इस अध्याय का प्रमुख विषय है एक उदाहरण के रूप में जैसे अंग्रेजी में कहावत है एज श्योर एज डेथ और अदरवाइज कहा जाता है डेथ एज इनिटेबल उसके लिए छोटा सा उदाहरण देते हुए फिर आगे हम भगवान श्री कृष्ण आठवे ध्यान में क्या कहते हैं उसका उल्लेख करेंगे तो एक बार की कहानी है एक माता श्री एक लेडी जिनका छोटा सा बच्चा बड़े ही कम उम्र में वो अपना प्राण त्याग देता है वो माँ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है और बहुत दुखी हो जाती है रोने लगती है और कहती है अगर मेरा बच्चा जीवित नहीं हुआ तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी लोग समाज ने बहुत समझाने का प्रयत्न करा उस माता श्री को कि जो बच्चा मर चुका है वो जीवित नहीं हो सकता और वो मां सुनने को तैयार नहीं है तो गांव के वरिष्ठ ने बोला कि गांव के बाहर एक आश्रम है जहाँ एक महान संत रहते हैं आप उनकी शरण में जाइए हमने सुना है उनके पास बहुत शक्ति है क्या पता वो आपके बच्चे को जीवित कर दें माँ के मन में आशा की उम्मीद जागृत होती है भागते भागते उस साधु के आश्रम में पहुंचती है साधु से कहती है हे प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हैं मैंने सुना है बड़े से बड़ा चमत्कार कर देते हैं आप आज एक छोटा सा चमत्कार कर दीजिए मेरे प्राण मुझे वापस लौटा दीजिए मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए जब वो साधु महात्मा इस माता की याचना को सुनते हैं तो कहते हैं मैं जरूर करूँगा जैसी आपकी इच्छा है उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए मुट्ठी भर चावल भिक्षा में मांग कर लाए वो माता तुरंत खड़ी हो जाती है कहती है प्रभु बस इतनी सी इच्छा है मैं अभी जाती हूँ अभी लेकर आती हूँ तो महात्मा कहते हैं नहीं सुनिए माता श्री मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी आप उस घर से मुट्ठी भर चावल लेकर आइएगा जिस घर में किसी ने कभी मृत्यु को ना देखा हो तो माताश्री बोलती है प्रभु मैं अभी गई अभी आई थोड़ी देर में तो महात्मा कहते हैं जाइए और ये लेडी और ये माता गांव में आती है हर घर पर खटखटाती है और जैसे ही कोई दरवाजा खोले तो बोले मुझे भिक्षा में सिर्फ एक हाथ चावल चाहिए कृपा करके मुझे चावल दीजिए तो जब वो भिक्षा लेकर आए तो उस समय वो माताओं से पूछे बट मैं भिक्षा तभी एक्सेप्ट कर सकती हूँ अगर आपके घर में किसी की मृत्यु ना हो जिस जिस घर पे वो माता श्री गई सब ने बोला मेरे पिता मेरे दादा मेरी दादी मेरी नानी मेरा बच्चा इत्यादि इत्यादि अंत में सुबह की गई हुई श्री शाम को वापस लौट कर आती है शाम को वापस लौट कर आती है तो महात्मा पूछते हैं हे माता तुम्हारे दोनों हाथ खाली नजर आ रहे हैं तुम तो मुट्ठी भर चावल भी नहीं लेकर आ पाई मेरे लिए उस समय वह माता श्री उस महात्मा को कहते हैं हे प्रभु जो शिक्षा आप मुझे देना चाहते थे वो मुझे मिल गई मुझे समझ आ गया मृत्यु नाम की ये परीक्षा है वो तो सबको ही लेने पड़ती है एक ऐसा कड़वा सच है जिसको हमें अपनाना ही पड़ेगा मृत्यु तो सबको ही आएगी प्रश्न ये बनता है मृत्यु के बाद क्या आगे क्या होगा उसके बारे में भगवान इस आठवें अध्याय में बताएंगे आगे या तो फिर व्यक्ति भौतिक दुनिया में भटके या इस भौतिक दुनिया से मुक्त अध्यात्म तो दुनिया में जा सकता है सो इस आठवें अध्याय की शुरुआत होती है एक बार फिर अर्जुन के प्रश्नों से पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आठ प्रश्न पूछते हैं अब भगवान ये नहीं कहते अरे भैया कितने समय से प्रश्न उत्तर कर रहा है अब काम कब करेगा नहीं भगवान ऐसा नहीं कहते भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं यहाँ तक कि अठारहवें अध्याय के अंत तक कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन जितने तुम्हारे प्रश्न थे सबका उत्तर दे दिया अगर मन में अभी भी संशय है पूरी की पूरी भगवतीता तुम्हें तो दोबारा सुनाने को तैयार हूँ मतलब क्या है भगवान श्री कृष्ण कभी भी अर्जुन को नकारते नहीं डांटते नहीं या उनको इस प्रकार नाराश नहीं करते कि तुम मुझसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हो बल्कि कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कारण क्या है प्रश्न पूछना मतलब बुद्धिमता की निशानी है जिसके पास बुद्धि है वही तो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और बुद्धि को अगर और संवारना है तो हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए इसके शिला प्रभुपाद इस हरे कृष्ण आंदोलन में कभी भी किसी को प्रश्न पूछने से मना नहीं किया बल्कि हमेशा हमें यही सिखाया जाता है समाज में किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न हो अध्यात्म जीवन को लेकर हमारा कर्तव्य बनता है उनके प्रश्नों का जवाब देने का उससे पहले स्वयं को शास्त्र का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है तो इस प्रकार यहाँ पर पहले और दूसरे श्लोक में आठ प्रश्न पूछे गए हैं मैं ज्यादा विस्तार से तो नहीं जाऊँगा सारांश में वो प्रश्न उसके उत्तर के है। उसका जवाब देकर जो इस अध्याय का प्रमुख विषय है प्राएण काले मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जा सकता है उसका उल्लेख करेंगे तो पहला प्रश्न अर्जुन पूछते हैं ब्रह्म क्या है ब्राह्मण मतलब जीवात्मा ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है एक ब्राह्मण होता है और एक पराभ्रम्हण होता है इसका उल्लेख हम आगे भी करेंगे तेरह अध्याय में पर ब्राह्मण का मतलब होता है जीवात्मा और पराभ्रम्हण होता है भगवान कई सारे लोग जो अध्यात्म जीवन का पालन करते हैं कन्फ्यूज कर जाते हैं ब्राह्मण को जीवात्मा और भगवान से इसलिए लोग सोच बैठते हैं कि भगवान और जीव एक समान है नहीं ऐसा नहीं है ब्राह्मण का मतलब हुआ जीवात्मा अध्यात्म का मतलब हुआ जीव का नेचर जीव का नेचर क्या है सेवा करना धर्म क्या है सेवा करना कर्म तीसरा प्रश्न कर्म मतलब इस भौतिक दुनिया में जीते हुए काल और गुण के प्रभाव में जो जो हरकतें जीव करता है उसको कहा जाता है कर्म चौथा है अधिभूतम अधिभूतम का मतलब हुआ ये भौतिक प्रकृति और पांचवा क्वेश्चन है अधिदैवम अधिदेवम मतलब देवता और भगवान का विराट रूप फिर छठा क्वेश्चन आता है अधि यज्ञ यज्ञ यग्य का अधिपति कौन है वो तो भगवान विष्णु ही हैं जैसे कृष्ण ने पहले कहा राम यज्ञ तपस्या तो अधि यज्ञ कृष्ण सातवां प्रश्न उठता है अर्जुन के द्वारा दूसरे श्लोक में मधुसूदना हे प्रभु ये अधियज्ञ है, हैं, तो तो हैं अर्जुन अधि यज्ञ परमात्मा के रूप में सब जीव के मन में हृदय में विराजमान है और अब आखिरी प्रश्न आठवां प्राइन काले हे प्रभु मृत्यु के समय व्यक्ति आपको कैसे याद कर सकता है और इस विषय के बारे में अब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के इस आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक से वर्णन करना शुरू करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं पांचवें से छठे सातवें आठवें श्लोक में पांच से आठ श्लोक में मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए केवल सामना ही नहीं मृत्यु पे विजय कैसे प्राप्त करनी चाहिए उस विषय पे चर्चा करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण ये सत्य कहानी है अब से कुछ साल पहले घटी थी अमेरिका के सैंडियागो में हमारा इस्कॉन का मंदिर है सैंडियागो में वहाँ पर एक माता श्री भगवान के हमारे मंदिर से जुड़ी और उनके जो पति थे उनकी कोई आस्था नहीं थी भगवद गीता में या भगवान में कुछ समय बाद जो ये माता थी जो आ, हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ी उनके पति कुछ समय बाद उनको हार्ट अटैक आता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और माता श्री इज स्कॉन टेम्पल के टेम्पल प्रेसिडेंट को फोन करके बोलती हैं प्रभु जी कृपा करके आप मेरे पति के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करिए और माता मिले तो कृपा करके आप मेरे पति को विजिट करिए आप उनके लिए हरिनाम में करिए प्रार्थना करिए क्या पता भगवान आपकी प्रार्थना को सुनकर मेरे पति के प्राण को बचा दें इस प्रकार टेम्पल प्रेजिडेंट माता की आवाज़ को सुनकर प्रार्थना को सुनकर उनके पति से मिलने के लिए जाते हैं तो ये जो व्यक्ति था जिसको हार्ट अटैक आया था दो दिन के बाद कोमा में चला जाता है एक महीने के लिए कोमा में रहे और उस एक महीने के उपरांत हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट चार से पांच बार इस व्यक्ति से मिलने के लिए गए एक दिन अचानचक माता श्री का फोन आता है टेम्पल प्रेसिडेंट को तो। टेम्पल प्रेसिडेंट फोन उठाते हैं एंड ऑन द अदर साइड इज लेडी एंड वो कह रही है प्रभु जी जल्दी आइए जल्दी आइए आपको जल्दी हॉस्पिटल आना पड़ेगा एंड टेम्पल प्रेजिडेंट वार्ड्स क्या हुआ ये इतनी जल्दी हमें क्यों बुला रही हैं वो भागे भागे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं जैसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं उस वार्ड में पहुँचते हैं जहाँ मिस्टर प्रकाश जो एडमिट हुए थे वहाँ पे एडमिट हैं जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो जो उनकी पत्नी है माताश्री वो आती हैं बाहर और कहती हैं टेम्पल प्रेजिडेंट को प्रोजी मेरे पति को होश आ गया है तो टेम्पल प्रेजिडेंट अ बिग स्माइल तो माता जी आप इतनी क्यों घबरा रही हैं तो लेडी कहती है मैं घबरा नहीं रही बट जैसे ही मेरे पति को होश आए जब से वो होश आए सिर्फ वो एक ही बात कह रहे हैं टेम्पल प्रेजिडेंट को बुलाओ टेम्पल प्रेजिडेंट को बुलाओ तो मुझे समझ नहीं आए क्या हुआ है मैंने इसलिए आपको बुलाया है तो टेम्पल प्रेजिडेंट भी बड़े चिंतित होंगे क्या हुआ भाई तो जाते हैं उसके पास और जैसे टेम्पल प्रेजिडेंट उस वार्ड में घुसते हैं तो ये हमारे मिस्टर प्रकाश जो लेटे हुए हैं एकदम से बैठ उठते हैं और टेम्पल प्रेजिडेंट का हाथ को अपने हाथों में पकड़ के आंखों में आंसू आए हुए हैं और बोलते हैं प्रभु जी प्रभु जी आए चार बार तो मैं हाँ, भी चार बार ही आया नहीं, नहीं प्रभु जी आप नहीं आप नहीं वो चार बार आए वो चार बार तो उनकी पत्नी बोलती है अरे हम तो आपके संग तीस के तीस दिन थे अरे नहीं प्रभु जी वो चार बार आए चार बार तो वहां पे नर्स खड़ी थी तो नर्स बोलती है अरे हाँ चार बार का मतलब क्या है हमने आपके पति को ऑलमोस्ट फोर टाइम्स, चार बार ऑलमोस्ट खो ही दिया था ये चार बार मरते मरते स्थिति में पहुंचे थे इनको चार बार हमने बचाया है तब टेम्पल प्रेसिडेंट को चमका कि चार बार कोई हमने से कोई नहीं आया कोई और आया है तो फिर जब वो टेम्पल प्रेजेंट का हाथ पकड़ के बोलते हैं प्रभु जी सुनिए समझिए वो चार बार आए तो इस बार टेम्पल प्रेजेंटर बोलते हैं क्या वो आए जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं जिनके चार हाथ हैं बहुत ही बहुत ही मधुरम उनका शरीर उनका सौंदर्य है बोले नहीं प्रभु जी वो नहीं आए बहुत डरावने लगने वाले आए प्रभु जी मैं तो डर गया तो फिर टेम्पल प्रेजेंट को समझ आए कौन थे यमदूत तो उनसे पूछते हैं क्या हुआ फिर वो चार चार बार कैसे आए बोले प्रभु जी वो जैसे ही सबसे पहली बार आए मैंने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए बोले भैया मुझे नहीं पता मैंने अपना जीवन तो कृष्ण के नाम कर दिया है जैसे ही कृष्ण का नाम सुनते हैं बोलते हैं अरे कृष्ण का भक्त है ये तो चले गए फिर दोबारा आते हैं जैसे ही दोबारा आते हैं फिर मैं अपने हाथ खड़े करके बोल देता हूं तो आपको जो मेरे संग करना है करो मेरी पत्नी भी भक्त है मैं भी भक्त हूँ अपने बच्चे को भी भक्त बनाने वाला हूं तो फिर कृष्ण का नाम सुनकर चले जाते हैं तो टेम्पल प्रेसिडेंट भाई गंभीर है तीसरी बार क्या हुआ प्रभु जी तीसरी बार भी आए चेक करने के लिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ जैसी मैंने उनकी शक्ल देखी मैंने तो फिर दोनों हाथ खड़े कर दिए कृष्ण कृष्ण बोल के मैं यू नो बोलकर मैंने लगा जैसे ही मुझे देखा फिर चले गए तो इस बार टेम्पल प्रेसिडेंट ने पूछा तीन तीन बार आके यमदूत चले गए तो चौथी बार क्यों आए तो फिर वो बोला प्रभु जी चौथी बार वो नहीं आए हो कौन आया वो खूबसूरत दिखने वाले विष्णुदूत प्रभु तो जी आप जो भी बोलो विष्णु दूत यमदूत मुझे तो नहीं पता वो खूबसूरत दिखने वाले आए जब वो आए तब ये भी आ गए जैसे ये आए तो उन लोगों ने इनको बोला ये कृष्ण का भक्त है इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है वो इनको प्रणाम करके चले गए बोले अब दोबारा कभी नहीं आएंगे और बोले जैसे ये सब हुआ मैं कोमा से बाहर निकल आया हूँ और हाथ पकड़ के बोलता प्रभु जी मैं डायरेक्ट मंदिर आ रहा हूँ मैं घर नहीं जा रहा मैं फुल टाइम डिबोटी बनने वाला हूँ कम से कम दस साल पुरानी कहानी है मिस्टर प्रकाश आज भी मंदिर में पूरे तन मन धन जैसे कहते हैं भगवान की सेवा में लगे हुए हैं मतलब क्या है वही चीज भगवान यहां बता रहे अगर देखा जाए इस समय इस समय मिस्टर प्रकाश को नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको साइंस में कहा जाता है बिल्कुल मरते मरते समय की कहानी तो इस समय भगवान क्या कहते हैं पांच श्लोक में अर्जुन अंतकाले क्षमा स्मरण अगर मृत्यु के समय व्यक्ति मेरा स्मरण करता है तो कलेवरम शरीर को त्यागते समय उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है उसको गोलोक की प्राप्ति होती है उसको इस भौतिक दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता तो छठे श्लोक में भगवान लॉ ऑफ ट्रांस माइग्रेशन डिफाई करते हैं जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है हाँ या ना तो ये जो माइग्रेशन है पुनर्जन्म उसका भी एक लॉ है और वो क्या लॉ है भगवान बताते हैं छठे श्लोक में यम यम वापी स्मरण भाव तयाजते जन्ते कलेवर तम तम एंते सदा तण को त्यागते समय जो जो व्यक्ति की सोच होती है उसी सोच के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है और मृत्यु के समय हमारी सोच क्या होती है जो हमने आजीवन जिन चीजों के प्रति आसक्ति रखी है मृत्यु के समय वही आसक्ति व्यक्ति के मन में उभर कर आती है तो इसलिए मृत्यु कब आएगी पता नहीं हमारी सोच क्या है आज हमारी आसक्ति किससे है आज उस आसक्ति के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा बहुत महत्वपूर्ण चीज है छोटा सा उदाहरण शास्त्र में उदाहरण आता है भरत महाराज बहुत महान राजा थे नौजवान थे जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया अपना परिवार त्याग दिया भगवान की खोज भगवान को संतुष्ट करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और बहुत बहुत आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति कर लेते हैं पर अंत समय में जाकर उनका एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो जाती है तो जब भरत महाराज की प्राण त्यागने का समय आया तो कृष्ण के नाम की जगह वो हिरण को याद कर रहे थे और हिरण को याद करते करते क्या हुआ अगला जन्म उनका हिरण के रूप में हुआ तो मतलब क्या है जो लोग कुत्ते से प्रेम करते हैं उनका अगला जन्म क्या होगा इस यम में वापिस प्रण भाव के अनुसार वही जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उनका अगला जन्म क्या होगा भगवत धाम की प्राप्ति होगी दिस इज लॉ ट्रांसमाइ्रेशन तो जब अर्जुन इस बात को सुनते हैं तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आई क्विट मैं का युद्ध करूं अगर जीवन का उद्देश्य ही आपको याद करना है कहीं मेरा दुर्योधन के संग अगर बहुत युद्ध हो गया और कहीं मेरी सोच उसमें अटक गई अंतिम समय में अगर दुर्योधन और कर्ण याद आ गए चलो वो तो फिर भी ठीक है वो शकुनी याद आ गया तो बहुत ही बुरी गति हो जाएगी प्रभु में युद्ध नहीं लड़ने वाला तो भगवान कहते हैं चुप लौट फिर के उसी बात पे आ जाता है में श्लोक में कहते हैं भगवान तस्मा सर्वेशमर युद्धा मई अर्पिता मनोबुद्ध मासी असंशया हे अर्जुन तस्मा सर्वेशु काले देरफोर सर्वेशु हर समय हर काल में मां मनुस्मरा मुझे याद करते हुए अपने कर्म को करिए मैं अर्पिता मनोबुद्धि अपनी बुद्धि को मेरे में लगाते अपने मन को मेरे में लगाते हुए माम एवश्यसी संशया इसका कोई संशय नहीं है कि आप मेरे पास आएंगे निश्चित रूप से आप मेरे पास आएंगे और फिर आठवें श्लोक में कहते हैं अभ्यास योग युक्तना अगर आपको मेरी शरण और इस भौतिक दुनिया में रहते हुए आपको मेरे पास आना है तो दो चीज करनी है अनुस्मरा एन अभ्यास योग अनुस्मरण भगवान को याद करना और भगवान को याद करने का सबसे असल तरीका क्या है ऋषि तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे हरे इससे सरल तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता इसलिए शास्त्र में कहा गया है कलेर दोष निधे राज एक महा गुण कीर्तना देव कृष्णस्या मुक्त संगा सम ये तो श्रीमदभागतों में श्लोक आते हैं जहाँ बताया गया है इस कलयुग में सबसे सरल भगवान को प्राप्त करने का और मुक्ति को प्राप्त करने का तरीका क्या है कीर्तनादेव कृष्णस्या भगवान श्रीहरि के नामों का कीर्तन करना इस प्रकार व्यक्ति को मुक्ति और भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है अनुस्मरा जो आचार्य के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग है उसका पालन करना अभ्यास उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते उसका अभ्यास करना सिर्फ यही दो पॉइंट्स को याद करते अगर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो अपने कर्मों को करते हुए उन कर्म को योग में बदलते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है तो इस प्रकार यहां पर अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये चर्चा होती है तो उस समय अर्जुन के मन में, में प्रश्न उठता है तो वो माना मैं क्विट नहीं करूंगा आपने जैसा कहा मैं मानता हूं बट आपकी रिमेम्बर को कैसे मैं कल्टीवेट करूं क्योंकि यहां पे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अनुस्मरण अभ्यास योगा उसकी परिभाषा अभी नहीं दी जो मैंने आपको परिभाषा दी वो शिला प्रभात के तात्पर्य के ऊपर दी है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जब करना चार नियमों का पालन करना ये सब तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में पहले ही लिख दिया वो कृष्ण ने अर्जुन को भी नहीं बताया हाँ या ना तो इसलिए अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है प्रभु आपकी रिमेम्बरेंस अनुस्मरा कहा ना आपने तो आपको मैं कैसे रिमेंबर करूं तो फिर भगवान श्री कृष्ण नौवें श्लोक से लेकर सोलवें श्लोक तक इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि भगवान को कैसे भगवान का स्मरण कैसे करा जा सकता है तो दो क्रियाओं का वर्णन करते हैं श्लोक संख्या नौ से लेकर श्लोक संख्या तेरह तक सत चक्र योगों का उल्लेख किया गया है योग का जहाँ पे व्यक्ति सीधी पीठ के संग जंगल में मैट पर बैठकर अपनी वायु को कंट्रोल करके अपने चक्र को ऊपर उठाता है इसके लिए ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना पड़ता है कड़ी तपस्या करनी पड़ती है जैसे अष्टांग योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय में बताते हैं और इसके बताने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मुश्किल है इससे सरल तो भक्ति योग है भक्ति योग क्या है फोर्टींथ श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं भक्ति योग क्या है चेत सततम सराश में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन भक्ति योग से सरल आसान मार्ग को ही नहीं है कोई भी व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतार सकता है और यहाँ पे मैं आपको शिला प्रभुपात का फॉर्मूला बताऊंगा जो शिला प्रभुपात ने हम सबको फॉर्मूला दिया इस भक्ति योग का पालन करने के लिए आप जैसे ही सुबह उठते हैं जो हम हरे कृष्ण मंदिर में करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर भगवान की आरती भगवान का गुणगान उसके बाद नाम जप उसके बाद श्रृंगार आरती उसके बाद भागवतम का पठन फिर कृष्ण प्रसादम और फिर अब सेवा करने के लिए लोग चले जाते हैं जब रात को वापस आते हैं तो फिर भगवद गीता का अध्ययन प्रसाद ग्रहण करके व्यक्ति सो जाता है तो जिसको शिला प्रभुपाद ने सैंडविच प्रोग्राम बताया तो दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए और दिन का अंत भी भगवान को स्मरण करते होना चाहिए इस प्रकार भक्ति योग तो बड़ा ही सरल है आपको परिवार नहीं त्यागना गृहस्थी नहीं त्यागनी आपको अपना काम नहीं छोड़ना आप जो कर रहे हैं करते हुए सिर्फ उसमें सुबह और शाम भक्ति योग के नियमों को ऐड करते हुए आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं तो प्रश्न बनता है फल क्या मिलेगा बिना फल की इच्छा का तो कोई व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता तो फल क्या है और वो फल क्या है भगवान बताते हैं पंद्रवा और सोलवा श्लोक में कृष्ण बताते हैं फिफ्टीन तो श्लोक में माम पुनर्जन्मा माम्य पुनर्जन्माश्वतम नापनुवंती महात्मा संसिधि परमाम हे अर्जुन मामेत्य पुनर्जन्मा जो मुझे एक बार प्राप्त कर लेता है दुखालयम अशाश्वतम वो इस भौतिक दुनिया में दोबारा दु� नापनुवंती महात्मा ना वो महात्मा इस भौतिक दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेते भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक दुनिया के बारे में वर्णन कर रहे हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं ये दुख की नगरी है और ये अशाश्वतम ये टेम्प्ररी है सो प्रश्न बनता है अगर ये दुख की नगरी है भगवान ने इस दुख की नगरी का निर्माण क्यों किया अगर सोचिए अगर आपको किसी शहर का आर्किटेक्ट या सिटी प्लानर बनाया जाए तो आप उस शहर के निर्माण में क्या क्या करेंगे हाईवे बनाएंगे रोड बनाएंगे सोसाइटीज बनाएंगे रिक्रिएशन सेंटर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इत्यादि बनाएंगे पर साथ ही साथ एक प्रेजेंट हाउस की भी जरूरत पड़ेगी हाँ या ना एक काला ग्रह या बंद ग्रह क्यों हर समाज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो समाज के नियमों के अनुसार नहीं जी सकते इसलिए उनके लिए काला ग्रह बनाया जाता है जब ये प्रेजेंट हाउस बनाया जाता है तो प्रेजेंट हाउस में बेसिक एम्यूनिटीज नेसेसिटीज के लिए रहने और खाने की जगह दी जाती है ना कि फाइव स्टार ट्रीटमेंट हाँ या ना अगर आपको फाइव स्टार फैसिलिटी दे दी जाए तो बाहर कौन रहेगा सब संबंध नहीं रहेंगे तो वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं और वहाँ पे साथ ही साथ व्यक्ति को अपनी गलती के लिए दंड के रूप में दो चीज़ें होती हैं पनिशमेंट और साथ ही साथ उसके जो गलत काम है उसके शुद्धिकरण तो पनिशमेंट क्या दिया जाता है पनिशमेंट के रूप में भगवान श्री कृष्ण पहली बात तो बता रहे हैं जो भौतिक दुनिया है वो एक प्रिजन हाउस के तरीके है जो भी व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में आया है उसको चार कष्ट झेलने पड़ते हैं मतलब पनिशमेंट जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तीन प्रकार के क्लेश होते हैं अधिदैविक अधि भौतिक अधि आत्मिक क्लेश इस प्रकार व्यक्ति को जीव को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब उसको समझ आ जाता है तो फिर काम क्रोध लोभ मोहम्मद मासरे जैसी बीमारियों से फिर वो धीरे देर धीरे मुक्त होने लगता है और जैसे ही व्यक्ति प्रिजन हाउस में जाता है तो उसके कपड़े बदले जाते हैं तो इसलिए शास्त्र में बताया गया जैसे ही जीव आत्मा इस भौतिक दुनिया में आती है तो चौरासी लाख योनियों में से उसको उसका एक शरीर दिया जाता है या वस्त्र दिया जाता है सारांश में ये जो भौतिक दुनिया है एक काला ग्रह बंद ग्रह या प्रिजन हाउस के समान है तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन जो मेरी शरण में आ गया उसको कभी दोबारा इस काला ग्रह या बंद ग्रह में जाने की आवश्यकता नहीं है जो मेरी शरण में आ गया वो इस भौतिक दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के उठाए हुए प्रश्न का जवाब देते हैं और बताते हैं अर्जुन जो भक्ति का मार्ग है वो बड़ा ही सरल है पर अर्जुन को और सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्लोक संख्या सत्रह से श्लोक संख्या बाईस तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है इसका विस्तार से वर्णन भगवान श्री कृष्ण फिर आगे पंद्रहवा अध्याय में करेंगे तो समय और विस्तार से चर्चा करेंगे और सारांश में भगवत सारांश में ये जो भौतिक दुनिया है ये एक आध्यात्मिक जगत की परछाई के समान है भौतिक दुनिया क्या है जहाँ पे सुख होता है तो दुख होता है अगर सर्दी होती तो गर्मी होती है यहाँ पे हमेशा डुअलिटीज होती हैं बट अध्यात्मिक जगत एप्सल्यूट है जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्षा लक्षा व्रतेश सुर अभिपालम लक्ष्मी सहस्त श्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामी सारांश क्या है आध्यात्मिक जगत वो दुनिया है जहाँ का एक एक कण चिंता मणि के समान है जो हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है जहाँ एक हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है हर एक गाय सुरभि मैया के समान है जो सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है ना वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी बीमारियाँ या परेशानियाँ हैं वो सिर्फ सुख नित्य सच्चित आनंद की नगरी है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इन कुछ श्लोकों में इस चीज़ का वर्णन करते हैं तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है प्रभु आपने जो भक्ति योग का पालन करते हैं उनको भगवत धाम की प्राप्ति होगी उसका तो उल्लेख कर दिया आपने बताया भक्ति योग बहुत सरल है पर उनका क्या जो कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग इत्यादि मार्गों का पालन करके आपके पास आना चाहते हैं तो उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण तेईस से अट्ठाईसवें श्लोक में देते हैं और कहते हैं अर्जुन आप योग का कोई भी मार्ग लो अंत में तो वो आपको मेरे पास ही लेकर आएगा बट अंत में कब आएगा उसका कुछ पता नहीं गारंटी है नो गारंटी पर क्योंकि वो योग का मार्ग है तो योग का उद्देश्य ही होता है भगवान तो कभी ना कभी तो वो पहुंच ही जाएगा परंतु भक्ति योग जैसा सरल आसान और शक्तिशाली अप्रोच और कोई नहीं है क्यों क्योंकि आज युग के समय में लोगों के अंदर वैसे भी अध्यात्म जीवन के प्रति कोई इच्छा नहीं है इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन्स हैं इसलिए इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा सरल और ऐसा एक मार्ग दिया है कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में अगर इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करे तो कर सकता है क्योंकि इतना आसान है पकवान खाने किसको पसंद नहीं तो क्या है इस मार्ग में भगवान को भोग लगाओ उस भोग को आनंद के रूप में ग्रहण करके अपने जीवन में आनंद लीजिए अगर कोई व्यक्ति नाचने गाने का शौक़ है तो नाचो कीर्तन में गाओ भगवान का कीर्तन भ्रमण का शौक है तो तीर्थ स्थल पर भ्रमण करने के लिए जाइए सारी इच्छाएं इस भक्ति योग के मार्ग पर पूरी होती हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन अगर मुझे सही मायने में अगर प्राप्त करना है तो भक्ति योग जैसा सरल आसान तरीका नहीं है और मैं आपके द्वारा सबको यही बताना चाहता हूँ कि भक्ति योग जिसकी शुरुआत हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस हरे कृष्ण महामंत्र के नाम जब से शुरू होती है तो कृपा करके सब भगवान के द्वारा दिए हुए इस निर्देश का पालन करें हरे नाम का पालन करें चार नियमों का पालन करें शास्त्र का अध्ययन करें और भक्तों का संग करें तो बहुत जल्द हर कोई व्यक्ति इसी जीवन में मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस आठवें अध्याय कार्यक्रम का में यू नो अटेंड करने के लिए अब हम कल गीता का नौवे अध्याय का वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे जय शीला पाद ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डी ऑपरेटर ऐसी संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें एट सेवन सिक्स सेवन एट फोर फाइव एट फोर फाइव